बच्चा होगा आप सबका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मीडिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए, फैंटम में, बालाजी में और मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है कि लोग आज जमा हुए. और जो आनंद साहब ने कहा, सुधीर भाई ने भी कहा डर के बारे में, माहौल डर का हो गया है. इनफैक्ट दो दिन पहले की बात है जब ये बात मीडिया में उतनी फैली नहीं थी और ये मीटिंग्स चल रही थी हमारी सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ, तो मैं इतना परेशान था कि रात को 3:30 बजे मैंने इनको मैसेज किया अपने मित्रों को, विकास को और मधु को, कि यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, जो हो रहा है सीरीज ऑफ फिल्म विद द कट्स, बिकॉज बहुत पंगा हो जाएगा, कौन झेलेगा, नहीं होता मेरे से यार, इतनी हिम्मत नहीं है. कल को रिलीज हो जाएगी, फिर कोई खड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर केस कर देगा, आपको परेशानी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होगी, क्या है, किसके पास इतना टाइम है सब करने के लिए. चलो रात गई बात गई, अगले दिन जब मैं इनसे मिला तो हम लोगों ने बात की फिल्म के बारे में और हमें यही एहसास ये हुआ कि यार अगर हम चाहे रिलीज हो कट के साथ चाहे ना हो, लेकिन आज अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर वो दूसरा जितने भी फिल्मेकर जो आगे फिल्म बनाएंगे वो कोई भी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना सकता, कि कोई भी रेल रेट पे फिल्म नहीं बना सकता, किसी भी शहर का नाम नहीं ले सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कह नहीं सकता. तो ये तो मतलब फिर बहुत ये मॉरली मुझे बहुत गलत लगता था. और सिर्फ यही वजह है कि एट ग्रेट पर्सनल रिस्क, एट ग्रेट फाइनेंशियल रिस्क, दैट एकता इज बेयरिंग, दैट वेलकम इज बेयरिंग, एट ग्रेट पर्सनल रिस्क दैट अनुराग इज टेकन, नॉट जस्ट एज अ प्रोड्यूसर बट अ फ्रेंड एंड अ फेलो फिल्म मेकर, ये सारे लोग जो आज जमा हुए हैं, इससे हमको बहुत बहुत इंकरेजमेंट मिला है और हम ये चाहते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट फॉर यू. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट शाहिद अभिषेक, the director of the film. Yeah, it's very important.